आज हम बात करेंगे आम और लीची की सिंचाई व्यवस्था के बारे में। जो आने वाला समय है वो आम और लीची के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। लीची में मंजर आना शुरू हो गया है और आम में ही कुछ दिनों के अंदर मंजर आना शुरू हो जाएगा। तो इस अवस्था में हम देखते हैं कि आप सिंचाई का प्रबंधन कैसे करते हैं, उसके ऊपर आपका जो फलन है वो डिपेंड रहता है। जैसा कि हम देखते हैं कि जब मंजर आना शुरू होता है आम और लीची में, तो उस समय हमको पानी को रोक देना चाहिए। उस समय किसी भी प्रकार की सिंचाई ना करें ताकि जो मंजर है वो अच्छी तरह से निकल के आए। जब मंजर एक बार निकल जाता है तो मंजर खिलने के बाद उसमें मधुमक्खी आती है और परागण करती है। परागण के बाद जब फल बन जाता है किसान भाई, उसके बाद से ही उसमें सिंचाई का प्रबंधन शुरू करें। अगर शुरुआती अवस्था में अगर हम ज़्यादा पानी पिला देते हैं इस अवस्था में, तो कई बार हमारा फल और फूल झड़ने की समस्या रहती है। तो किसान भाइयों से आग्रह है कि जब भी वो सिंचाई प्रबंधन शुरू करें आम और लीची में, फल बनने के बाद से ही शुरू करें, जिससे कि आपका जो फलन है वो बहुत ही अच्छा रहेगा और उसकी गुणवत्ता भी अच्छी बनी रहेगी। फल के झड़ने की समस्या भी आपकी काफ़ी हद तक कम हो जाती है अगर आप सिंचाई सुचारू रूप से करते हैं। तो सिंचाई करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप उसमें रिंग बना के सिंचाई कर सकते हैं। आपको पौधे के आकार के अनुसार रिंग बनाना है और रिंग में आपको जब जाड़े का मौसम होता है तो सप्ताह में एक बार सिंचाई करना है, और जब आप गर्मी का मौसम आ जाएगा तो सप्ताह में आप दो बार सिंचाई कर सकते हैं। उसी के बाद में बहुत सारी तकनीकें हैं इरीगेशन करने की, पानी देने की। उसमें ड्रिप इरीगेशन काफ़ी प्रचलित है। हमने देखा है कि ड्रिप इरीगेशन के द्वारा अगर आप पानी संचालित करते हैं तो आम और लीची की गुणवत्ता के साथ साथ उसका जो उत्पादन है वो आपका 1.5 से 2 गुना बढ़ जाता है। तो आप अगर ड्रिप इरीगेशन इस्तेमाल कर रहे हैं तो साथ ही में आप अगर उसके साथ में एक और हमारी टेक्नोलॉजी है जिसको हम मल्चिंग कहते हैं, अगर उसका भी इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो पानी की देने की जो जरूरत है वो लगभग 30 से 40% कम हो जाती है। तो मल्चिंग में आप प्लास्टिक मल्चिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप वॉल मल्चिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बार हम इरीगेशन के साथ साथ में हम खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं चलाने के लिए, जिसको फर्टिगेशन कहते हैं। सब्जियों में तो ये बहुत ही प्रचलित है, लेकिन झारखंड में फलों के अंदर अभी फर्टिगेशन का इस्तेमाल बहुत ही कम किसान कर रहे हैं। अगर फर्टिगेशन के द्वारा हम खाद को संचालित करते हैं तो वहाँ भी हमारी खाद की लगभग 30 से 40% की जो खाद बच सकता है हमारा, और उसका जो खाद हम जो डालते हैं उसकी दक्षता भी बढ़ जाती है। मतलब आपका कम खाद में ज़्यादा उत्पादन हो सकता है अगर आप खाद को ड्रिप के द्वारा चलाते हैं। तो ये कुछ तकनीकें हैं, ड्रिप इरीगेशन, मल्चिंग, फर्टिगेशन और टेफ्रोसिया मल्चिंग। इनका इस्तेमाल करने से आप पानी के द्वारा और उसी के साथ में इन तकनीक के द्वारा आप लीची और आम का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। एक और बात इस समय हम बोलना चाहेंगे कि आप जो बगीचे नए लगे हैं उसमें भी जल प्रबंधन बहुत ज़रूरी है, खासकर इस जाड़े के मौसम में। जब हम देखते हैं कि किसी भी समय तापमान इतना कम हो जाता है कि पाले की समस्या भी हमारे झारखंड में हो रही है, तो जो नया प्लांटेशन है 1 साल या 2 साल का, उसमें पानी का सुचारू रूप से प्रबंधन जरूर करें। नहीं तो जो पाला है उसके कारण से आपका पौधा मर भी सकता है। तो आप उसमें अभी ये जिस समय बहुत ही ज़्यादा ठंडा पड़ रहा है तो आप 2 या 3 दिन के अंतराल में उसमें पानी डालते रहिए। मल्चिंग का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए ताकि नमी के साथ में वहाँ पर तापमान को भी नियंत्रित किया जा सके। कई बार होता है कि अगर आप कुछ खेती उस ऑर्चर्ड के अंदर नहीं कर रहे हैं, बगीचे के अंदर कोई खेती नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पाले का प्रकोप ज़्यादा होता है, मतलब पाला ज़्यादा नुकसान कर सकता है। तो आप बगीचे में साथ में कोई ना कोई खेती, सब्जियों की, दलहन की, कुछ ना खेती आप करते रहिए, जिससे कि अगर वहाँ पानी देंगे तो पानी की नमी बनी रहेगी और पाले का प्रकोप कम होगा। इसके साथ में बहुत सारी और भी तकनीकें जो मार्केट में उपलब्ध है कि आप कैसे जो पानी दे रहे हैं उस पानी का कैसे बचाव कर पाएँ। स्प्रिंकलर इरीगेशन भी आजकल मार्केट में आ रहा है, जो मिनी स्प्रिंकलर जिसको बोलते हैं, उसको भी कई बार हम हमारे ऑर्चर्ड में लगाते हैं, जिससे कि आप उस ऑर्चर्ड में नमी भी बनी रहती है, ह्यूमिडिटी बने रहने से हमारे पौधे के लिए भी अच्छी होती है। तो खास करके इस प्रकार की तकनीक का इस्तेमाल जो नारियल है, सुपारी है, उसके बगीचों में किया जाता है, लेकिन लीची के बगीचे में भी हमने देखा है कि अगर आप स्प्रिंकलर के द्वारा इरीगेशन करते हैं तो उससे हमारे जो फल के फटने की समस्या है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो ये भी एक नई तकनीक है जिसका इस्तेमाल किसान भाई कर सकते हैं, जिससे आपका पौधे को पानी भी मिल जाएगा और आपके फल फटने की समस्या काफ़ी हद तक कम भी हो जाएगी। मंजर आने के समय किसान भाइयों को जिससे हमने बताया है, उस समय पानी का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उस समय पानी देते हैं तो कई बार होता है कि मंजर कम आता है या मंजर के झड़ने की समस्या भी उत्पन्न होती है। तो उस समय पानी का देने का इस्तेमाल ना करें, पानी बिल्कुल पौधों में रोक दें ताकि मंजर पूरा खुल के आए उसमें, और मंजर आने से पहले उसमें कीट और रोग का प्रबंधन अवश्य कर लें।
क्योंकि मंजर खिलने के बाद किसी भी प्रकार का कीटनाशक या फफूंदनाशक का इस्तेमाल हम किसान भाइयों को मना करते हैं, जिससे कि आपके परागण की समस्या ना हो, अच्छी तरह परागण हो और फलों का बनना अच्छा उस खेत में हो पाए, उस बगीचे में हो पाए। तो ये दो ही मुख्य सावधानियां हैं आपको रखनी है उस समय कि आप कीट और रोग का प्रबंधन कर लें और पानी को उस समय रोक दें। किसान भाइयों, आम और लीची एक लाभकारी फल है, अतः इसकी बढ़वार और अच्छी पैदावार के लिए हम वैज्ञानिकों के अनुसार सिंचाई प्रबंधन करें तो अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं।